जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इंसिडेंट हुए थे, इसमें अभी तक दिल्ली पुलिस 18 एफआईआर रजिस्टर कर चुकी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक हमने 106 आदमियों को अरेस्ट किया है और भी अभी प्रोसेस में है, और भी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मिसक्रिमिनेट्स हैं, जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आज मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने सफिशिएंट फोर्स एरिया में डिप्लॉय की थी और एडिशनल पैरामिलिट्री की कंपनीज भी डिप्लॉय की गई थी। सीनियर ऑफिसर्स भी वहां थे, सीनियर ऑफिसर्स भी मॉनिटर कर रहे थे, क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। अलग अलग एरियाज में हमने सीनियर ऑफिसर्स खुद जो है वो पीसीआर कॉल्स को मॉनिटर कर रहे थे। इसी के मद्देनजर आज कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा है, जो पीसीआर कॉल्स भी आ रही है उसको भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और आज जो कॉल्स हैं, पीसीआर कॉल्स हैं, वो भी काफी कम आई हैं। रूट मार्चेस किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा रूट मार्चेस किए गए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, एक्सटेंसिव हमने जो ड्रोन्स की है उसके माध्यम से भी सर्विलेंस की है। जो एक प्रॉब्लम आई थी, पुलिस को फेस करनी पड़ी थी, कि जो छतों से पत्थर वगैरह फेंके गए थे जिससे काफी स्टाफ को चोटें भी आई थी, उसको आज ड्रोन से हमने छतों को चेक किया है और वहां से रिमूव भी किया गया है, और जिस जिस जगह पे ऐसे पत्थर वगैरह पाए गए हैं उस पर भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे।